कल आए लोकसभा रुझानों के पूर्व संकेत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने जाहिर भाषण के माध्यम से गरीबों जैसे मुद्दे को उजागर किया है और कल मोदी मीडिया ने एग्जिट पोल दिया है और जनता का कॉल कांग्रेस की ओर है। एग्जिट पोल के माध्यम से हार कर भी जीत दिखने की कोशिश केंद्र सरकार की है और ऐसा आरोप उन्होंने इस वक्त किया है। जो राहुल जी जाहिर भाषण में जब बताते थे कि आप सब लोग को दर्द पता है, महंगाई का असर पता है, लेकिन जो मीडिया मालक लोग है वो गोदी मीडिया है और वही आज स्थिति एग्जिट पोल के माध्यम से सामने आई है। आज जनता का कॉल ये बताता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश से जाए और उसी तरह का वोटिंग भी नरेंद्र मोदी के सरकार के विरोध में, भाजपा के विरोध में पूरे देश में हुआ है। महाराष्ट्र के साथ भी, महाराष्ट्र ने भी वही काम किया है। लेकिन एग्जिट पोल कल आने से लोगों को एक डर पैदा कर हारने के बाद भी जीत सकते ये दिखाने की एक कोशिश केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। जो बात सामने आई कि केंद्रीय गृह मंत्री के माध्यम से 150 कलेक्टरों को धमकाया जा रहा है और उनको कैसा रिजल्ट उनके फेवर में लगाया जाए, इस तरह की एक चर्चा मैं आज मीडिया में पढ़ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर ये कॉल अगर उनके फेवर में रहता तो कलेक्टर को धमकाने की ज़रूरत क्या है, ये भी सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि जो मीडिया में न्यूज़ आई है कि कलेक्टर को गृहमंत्री मंत्रालय से धमकाया जा रहा है, तो इसी का अर्थ ये होता है कि बीजेपी हार के कगार पर है, नरेंद्र मोदी की सरकार हार के कगार पर है, लेकिन गोदी मीडिया के माध्यम से लोगों की दिशा भूल करने का एक तंत्र, क्योंकि ये युद्ध है, युद्ध में आखिरी तक नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके सरकार के नुमाइंदे वो जीत का ही दावा करेंगे और 4 तारीख को जनता का कॉल सामने आएगा और जनता का कॉल इंडिया गाड़ी के साथ आएगा, क्योंकि राहुल जी ने कन्याकुमारी से काश्मीर और की जो भारत जोड़ो यात्रा और मणिपुर से मुंबई की जो न्याय यात्रा जो निकाली और वो जो लोगों का मत था उसी आधार पर 5 गारंटी राहुल जी ने जो दी, जो न्याय की गारंटी दी, उसी आधार पर देश में इंडिया गाड़ी को बड़े पैमाने में लोगों ने वोट दिया है और वो 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा इंडिया अगाड़ी की सरकार आएगी।